Morning, students how are you all i hope you all are fine right so uh, today is a saturday and uh, saturday is the day of the lord hanuman right but today we are doing a prayer of om recitation right and after that we will start the new words of chapter number 22 our earth okay students so for the prayer you must have to sit straight do this mudra because i am always telling you do this mudra right but why i am telling you this mudra so this is the gyan mudra uh, ये जो मुद्रा है first finger and thumb की ये ज्ञान मुद्रा है और ज्ञान मुद्रा से अगर हम ओम रेसिटेशन करते हैं तो हमारे माइंड के जो ज्ञान अर्जित करने वाले यानी हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे ज्ञान मतलब हमारे नॉलेज को बढ़ाते हैं और वो जल्दी से ग्रास्प करते हैं स्टडी सो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग यू डू दिस मुद्रा बिकॉज दिस टू पॉइंट्स आर ज्ञान पॉइंट्स एंड दिस आर इंप्रूव आवर नॉलेज Chemicals improve our mind, improve our uh, memory power, etc. Right? So, uh, you must have to do this mudra and put your hand on your knees and sit straight, close your eyes with deep breathing. so this is five times deep breathing now we are doing a five times om recitation with a, uh, proper concentration right you must have to concentrate यहाँ पे आपको देखना है eyes close करके ये part में आपको देखने का try करना है यहाँ पे जो होता है वो हमारे ज्ञान बढ़ाने वाली ऊर्जा होती है और यहाँ पे देखने से हमारे अंदर का जो ज्ञान है बहुत ही अच्छे से क्रिएट होता है सो so, जो यहाँ पे ओम देखना है हमें आंखें बंद करके राइट स्टूडेंट्स ओ Shanti, shanti, shanti So my lovely students, after this home recitation, you feel more better and better. Right? So I hope you all are doing this uh, with guidance of mine. And now let's we start the EVS session. so this is the new words of chapter number 22 our earth right uh, as you know in our explanation i was told you our earth is made of, of land and water right and uh, one part of the land and three part of the sorry one part of the land and three part of the water and uh,

लैंड यानी कि हमारी अर्थ नहीं हमारी जमीन जिसके ऊपर हम बैठते हैं चलते हैं रहते हैं क्रॉप्स ग्रो करते हैं ट्री ग्रोज होते हैं है ना हम व्हीकल चलाते हैं दैट ऑल आर पार्ट ऑफ लैंड वो सब जो पार्ट है वो है लैंड का जी एल ओ बी ग्लोब ग्लोब यानी कि मॉडल ऑफ द अर्थ जो एक राउंड बॉल होता है और उसके अंदर कितना पार्ट पानी है कितना पार्ट वाटर है वो सॉरी लैंड है वो भी हमें देखने को मिलता है फिर वो जो ग्लोब होता है उसमें पूरे वर्ल्ड के मैप होते हैं है ना छोटे से छोटे जो शहर होता है है ना वो भी उसमें दिखाया गया होता है दैट्स वाई वी कैन

प्लेन लैंड प्लेन लैंड मतलब सीधी जमीन जिसके ऊपर हम रहते हैं है ना जिसके ऊपर रह सकते हैं घर बना सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, व्हीकल चला सकते हैं, एक्सेट्रा राइट नाउ ई ए आर टी एच अर्थ अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी हमारी जो पृथ्वी है उसे हम कहते हैं अर्थ नाउ एच आई डबल एल हिल हिल जो प्लेन लैंड होती है उससे हाई पार्ट में होती है मतलब प्लेन लैंड तो सीधी होती है बट जो हिल होती है वो थोड़ी ओपर होती है इस तरह से ट्राइंगल शेप में होती है राइट ना हिल से भी जो बड़ा होता है उसे कहते हैं हम माउंटेन एम ओ यू एन

ट्राइंगल शेप में आ, उल्टा ट्राइंगल शेप उल्टा यानी कि देखो कैसे ये एक छोटी हिल है या माउंटेन है ये दूसरा माउंटेन है तो इसके बीच का जो ये पार्ट होता है दैट कॉल्स अ वैली और ये वैली में बहुत ही सुंदर फ्लावर्स बहुत ही सुंदर क्रॉप्स बहुत ही सुंदर ट्रीज फ्रूट वगैरह ग्रो होते हैं क्यों तो ये जो माउंटेन होता है यहाँ पे क्या होता है स्नो होता है राइट यहाँ पे क्या होता है पूरा स्नो से ढका होता है अब जब स्नो मेल्ट होता है राइट स्नो मेल्ट होके फिर वो क्या बन जाता है रिवर बन के बहने लगता है जब वो रिवर बन के बहने लगता है तो वो जो रिवर का पानी होता है बहुत ही स्वीट होता है और वो पानी से वहाँ पे बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल फ्लावर्स ग्रो होते हैं बहुत ही स्वीट और हेल्दी uh, फ्रूट्स भी ग्रो होते हैं राइट सो वो पार्ट को हम वैली कहते हैं अंडरस्टूड स्टूडेंट उट दसाइज अब हमने न्यू वर्स तो देख लिए है अब हम देखेंगे ऑप्शन टिक द करेक्ट ऑप्शन ऑलवेज होती है सो so, आज भी हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है टिक द करेक्ट आंसर शेप ऑफ अवर अर्थ इज राउंड वॉट इज द करेक्ट आंसर राउंड आर ओ यू एंडी राउंड द फ्लैट एंड इवन पार्ट ऑफ लैंड इज कॉल्ड जो सीधा होता है और इवन पार्ट होता है वो लैंड को हम कहते हैं प्लेन लैंड पी एल ए आई एन प्लेन लैंड राइट मतलब सीधी लैंड प्लेन लैंड मतलब नंबर थ्री ब्लू पार्ट ऑन द ग्लोब शो अब जो आ, ग्लोब में ब्लू पार्ट होता है वो हमें क्या शो करता है लैंड नहीं क्योंकि लैंड का जो पार्ट होता है वो कौन सा कलर का होता है ब्राउन होता है माउंटेन माउंटेन भी शो नहीं करते वो शो करते है हमें वॉटर तो करेक्ट आंसर इज वॉटर द हाई पार्ट ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए ओके जो फ्लैट लैंड होती है प्लेन लैंड होती है उससे थोड़ा पार्ट हाई होता है और जो हाई होता है उसे हम कहते हैं हिल राइट एच आई डबल एल हिल उसे हम क्या कहते हैं कहते हैं हिल राइट चलो तो हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं शेप ऑफ आवर अर्थ इज राउंड फ्लैट एंड इवन पार्ट ऑफ द लैंड इज कॉल्ड प्लेन लैंड द ब्लू पार्ट ऑन द ग्लोब शोन वाटर द हाई पार्ट ऑफ लैंड इज कॉल्ड हिल राइट स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं

बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए प्लांट मोर ट्रीज मतलब बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को हमें प्लांट करना चाहिए प्लांटेशन करना चाहिए उगाना चाहिए सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट्स वाई वी आर डूइंग टिक इन द बॉक्स नाउ थ्रो गार्बेज ऑन द रोड हमें रोड के ऊपर गार्बेज डालना चाहिए नो दैट इज रॉन्ग सो दैट्स वाई वी आर डूइंग रॉन्ग साइन प्लास्टिक बैग्स अब हमें क्या क्या कहा गया है हमें प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज़ करनी है वाई सो प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो वन काइंड ऑफ पॉइजन है अगर वो कोई एनिमल भी खा लेता है तो उसकी स्टमक में वो एज ए कचरा जमा रहता है वो ना तो उसकी काउडंग के थ्रू बाहर निकलता है जनरली काऊ खाना खाने बाहर निकलती है तो वो प्लास्टिक की पॉलीथिन के साथ में ही खाना खा जाती है राइट right? तो वो जो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है वो उसके पेट में इकट्ठा होती है और धीरे 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 वो वो पॉइजन क्रिएट करती है वैसे ही अगर प्लास्टिक की पॉलीथीन जो इधर उधर फैलती है तो हर एनवायरनमेंट को भी वो गंदा करती है सो दैट्स वाई यूज़ प्लास्टिक बैग दिस स्टेटमेंट्स आर दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग दैट्स वाई वी आर डूइंग रॉन्ग ट्राई टू मेक अ लेस यूज़ ऑफ कार्स हमें कार्स के बहुत ही कम यूज़ करने चाहिए दिस स्टेटमेंट इज़ रियली ट्रू बाय तो जो कार है वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है उसमें से कुछ धुआँ निकलता है और वो धुआँ जो निकलता है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बहुत ही फैलता है दैट्स वाई वी हैव टू ट्राई मेक अ less uses of car right students now exercise number c and what is in the exercise number c let's see okay so valley brown and mountain सो वैली इज ब्यू कलरफुल फ्लावर्स राइट सो वैली का जो करेक्ट आंसर है वो है नंबर बी कलरफुल फ्लावर्स राइट ब्राउन ब्राउन कलर क्या हो किसका होता है लैंड का सो वी हैव टू मैच विथ नंबर सी नाउ माउंटेन माउंटेन वोट इज माउंटेन माउंटेन मीन्स हाई हील हाई मोर देन ही सो हाई हील

उसका यूज करना है और हमें फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है सो नंबर वन डैश कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ हमारे जो अर्थ है उसका जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो किसने कवर किया है सो आंसर इज वाटर डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर राइट A T E R, water. Right? W -a -t -e -r वाटर मोट मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द जो सबसे ज्यादा पीपल्स होते वो कहाँ रहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द्लेन पी एल ए आई एन एस प्लेन्स जनरली लोग प्लेन प्लेन पार्ट पे रहना ही पसंद करते हैं क्योंकि जहाँ हाई हिल होती है वहाँ पे ठंड भी बहुत लगती है Plains, right? So number one's answer is water. Number two's answer is plains. Now number exercise number E. Answer the following question. What is valley? The low land between two hills or mountain is called valley. Now answer is the lowland between two hills or mountain is called valley v a l l e y valley again i am repeat this answer the lowland sorry the low land between two hills or mountain कॉल्ड वैली जो दो हिल्स या दो माउंटेन के बीच की जो लो लैंड की जगह होती है उसे हम वैली कहते हैं राइट स्टूडेंट्स नंबर टू नेम ट्रू टू ट्रीज दैट ग्रो ऑन हिल्स अब हिल्स के ऊपर दो ट्री ऐसे कौन से है जो ग्रो होते हैं फ्रूट्स के सो द एप्पल्स एंड चेरीज A -p -l -e -s, apples, A -p -l -e -s, apples, and C H E double R I E S cherries, C H E double R I E S cherries, right? Now, question number three Name the things we grow on land. अब हम लैंड के ऊपर क्या ग्रो कर सकते उसके हमें नेम लिखने सो आवर आंसर इज फूड ग्रेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आवर आंसर इज फूड ग्रेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स येस करेक्ट नंबर फोर वॉट इज द अर्थ अप ऑफ अब जो ये हमारी अर्थ है वो किससे बनी हुई है So our answer is land and water. Our answer is land and water. Right? Number five. What does a river form? What does a river form? So the snow on the mountain melt of a form of rivers. जो माउंटेन के ऊपर का जो स्नो होता है वो मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने के बाद वो रिवर फॉर्म में बहते हुए नीचे आता है तो द स्नो ऑन द माउंटेंस मेल्ट टू फॉर्म ऑफ रिवर द स्नो ऑन द माउंटेंस मेल्ट टू स्नो टू फॉर्म ऑफ द रिवर तो वो रिवर के अंदर चेंज हो जाती है नाउ एक्टिविटी टाइम मेक अ क्ले मॉडल ऑफ ग्लोब ऑन एंड शो द माउंटेन्स प्लेन्स एंड सीज़ नाउ क्रॉसवर्ड पर्जल्स यस दिस इज द द्रॉसवर्ड पर्पल्स तो यहाँ पे कुछ बॉक्स दिए गए हैं जिसका हमें आंसर लिखना है फाइन फर्स्ट नंबर दो टॉप ऑफ माउंटेन आर कॉल्ड स्नो तो हम कहाँ स्नो लिखेंगे यहाँ पे एस एन ओ डब्ल्यू स्नो एस एन ओ डब्ल्यू स्नो नंबर टू डैश फॉल डैश फ्लो डाउन दी माउंटेन्स अब उंटेन से कॉन फ्लो हो के आता है ये रीवर सो यहां पर लिखेंगे आर आई वी आर राइट आर आई वी आर एस रिवर्स नाउ डाउन की इट इज मॉडल ऑफ अर्थ येस जी एल ओ B E right G L O B E and uh, number four the low land between two hills or mountains. It is valley V-A-L-L-E-Y double L E Y Valley, right? This is Valley. So yeah, textbook me. एक्सरसाइज दोनों पेज कंप्लीट करने हैं राइट स्टूडेंट्स और अच्छे राइटिंग से करने हैं क्वेश्चन आंसर में आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो सी डब्ल्यू में कंप्लीट करने हैं हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में टिल देन एंजॉय योर डे हैव अ नाइस डे बाय